फरीदाबाद नगर निगम का बहुचर्चित घोटाला, जिसमें विकास की बिना एक ईंट लगे करोड़ों की पेमेंट कर दी गई और रिकॉर्ड को रफा दफा करने की कोशिश की गई। एक महीने का समय बीत चुका है, एक महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जब फाइनल रिपोर्ट इस पूरे घोटाले की पेश की जानी थी। जो जांच अधिकारी थे उन्होंने पूरे नगर निगम सदन की बैठक में यह ऐलान किया था कि जो तिथि निर्धारित की गई है, तथ्यों के साथ जो भी इस घोटाले को उजागर करने में जो भी जांच रिपोर्ट थी वो सबमिट की जाएगी, लेकिन अधिकारी के तबादले के बाद भी एक माह का समय बीत चुका है और उसके बावजूद भी जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ग्राउंड जीरो पर पंजाब केसरी टीवी की टीम पहुंची है, यहाँ पर दिखाएंगे कि यह वही रिकॉर्ड रूम है जहाँ कुछ कथित रूप से मिलीभगत कर अधिकारियों ने कुछ जो ठेकेदार था सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार का नाम इस घोटाले में बार बार सामने आ रहा है, अपनी कई कंपनियों के जरिए करोड़ों की पेमेंट उन्होंने ले ली और जब इस घोटाले की परते दर परत खुलती गई तो 50 करोड़ से शुरू हुआ यह घोटाला लगभग 200 करोड़ तक पहुंच गया। जांच एडीसी जो है वो इस मामले की जांच कर रहे थे, तमाम अधिकारी जो थे पूरे मामले का सुपरविजन कर रहे थे, गृह मंत्री अनिल विज भी इस मामले में संज्ञान ले चुके, लेकिन अधिकारियों की ढिठाई तो देखिए कि तमाम ऊपर मुख्यमंत्री दरबार तक यह मामला पहुंच गया करोड़ों के घोटाले का, लेकिन उसके बावजूद भी एक माह से ज़्यादा का समय बीत चुका है। नगर निगम सदन की बैठक हुए फाइनल रिपोर्ट को लेकर जो समय दिया गया था उसका निर्धारित किए हुए, लेकिन अभी तक जांच को लेकर फाइनल जांच रिपोर्ट को लेकर कोई भी जो है दिशा निर्देश किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पार्षद कई बार नगर निगम आयुक्त से गुहार लगा चुके हैं। देखिए, पहले चर्चा थी कि नगर निगम आयुक्त एक ईमानदार जो है अधिकारी कहे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से निगम आयुक्त लगातार न केवल इस करोड़ों के घोटाले में चुप्पी साधे हुए हैं, फाइनल जांच रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से उनकी जो ढिलाई सामने आ रही है कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। हालांकि इस मामले में जो पार्षद हैं वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर पूरे इस तमाम भ्रष्टाचार की परतों को सबूतों के साथ ले जाकर जो सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार है जिसकी मिलीभगत का आरोप लगातार लगाया जा रहा है, और तत्कालीन जो चीफ इंजीनियर थे ठाकुरलाल शर्मा, उन्होंने भरे सदन में इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह से बिना एक रुपये का विकास कार्य किए हुए करोड़ों की पेमेंट कुछ अधिकारियों द्वारा कर दी गई, और उन्होंने इस बात को भी पूरी तरह से उजागर किया था पूरे सदन के समक्ष कि कई अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई, ये तथ्य सामने आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो फाइनल जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि फाइनल जांच रिपोर्ट आते ही कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है जिन अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा घोटाला अंजाम दे दिया गया, करोड़ों की रिकवरी का मामला सामने आ सकता है, कई अधिकारियों की जवाबदेही तय हो जाएगी। यही कारण है कि इस मामले में अब ईमानदार कहे जाने वाले नगर निगम कमिश्नर भी मौन धारण किए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अनिल विज और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में क्या कुछ नया सामने आता है और जांच की आंच से ये अधिकारी अपने आप को किस तरह से बचा पाते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपर फास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।